Perfect. लाई हूँ काफी टाइम बाद मेकअप वीडियो एंड दिस इज वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा ना, अगर नहीं किया है तो ये है मेरी आई डी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप फॉर मोर अपडेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सो सबसे पहले तो अगर आपको ये जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ उसकी डिटेल, उसकी प्राइस चाहिए तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाके चेक कर सकते हो। सो इस वीडियो में ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी, ना ही मैं प्राइस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर बहुत कुछ जाना हो आपको, लाइक ये पूरा किट मुझे कितने में पड़ा, किट यानी मैंने ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट निकाले जो मुझे सबसे ज्यादा कम प्राइस लगी, तो स्विस ब्यूटी का ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। और वापस बोल रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट की डिटेल प्राइस मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, अनबॉक्सिंग की हूँ मैंने, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्लीज चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे फेस को प्रिपेयर करना होगा और वो चीजें मुझे स्विस ब्यूटी के ब्रांड में नहीं मिली, तो मैं अपना खुद का यूज करूंगा। लाइक प्राइमर तो हम यूज करेंगे, पर उसके पहले जो हम मॉइस्चराइजर एंड स्किन क्लीनिंग करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो है आयुर का। सो ये मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट की थी कि मेकअप के पहले इसको यूज करना और काफी बेटर लगेगा। सो ये मेरा पहली बार यूज कर रही हूँ, तो देखते हैं अभी ये कैसा रिजल्ट देता है, ये सही में लाइक मेकअप के पहले लगाना चाहिए कि नहीं। तो इसमें लिखा तो है कि मेकअप के पहले आपको ये यूज करना है, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं इसके बारे में, बट मेरी सिस्टर ने सजेस्ट की थी तो मैं सोची मेकअप वीडियो बनाई रही हूँ तो उसको ट्राई भी कर लूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे कॉटन पैड ले ली हूँ और ज्यादा अमाउंट नहीं लेना है, आई थिंक दिस मच इज इनफ, क्योंकि इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, दवा जैसी स्मेल है, बट आयुर का मैंने पहले भी टोनर वगैरह यूज की हूँ। टोनर के बाद मैं मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और मेकअप लगाने के बाद और ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है मुझे, इसलिए हैवी मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ निविया सॉफ्ट। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का लिप बाम जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो मैंने मॉइस्चराइज तो कर ली हूँ, अब बारी है मेकअप यूज करने की। जो लाइक मेरी ड्राई स्किन है तो मैं बहुत दो तीन टाइप के प्राइमर यूज करती हूँ मेरे फेस पे, और आज वो प्राइमर्स नहीं है। ऑयल बेस्ड प्राइमर ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है, जो इस बार नहीं है मेरे पास। एंड वन मोर थिंग गाइज, लाइक मैं ये बहुत टाइम बाद मेकअप कर रही हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ, और इसमें मैं आई मेकअप भी करने वाली हूँ, जो हालांकि सिंपल सा कोई रहेगा बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एक डेढ़ साल हो गया मुझे कोई भी आई मेकअप नहीं किया है मैंने। फेस मेकअप तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, बट थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए आई मेकअप तो प्लीज चला लेना। आई नो आप लोग मेरे से बेटर कर सकते हो, बट मैं ट्राई करूंगी कि आई मेकअप अच्छे से कर पाऊँ, मुझे आदत नहीं है और मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा सीखने की कोशिश नहीं की, बट आज मैं करूंगी जितना मेरे से हो पाए। ये हमारा ऑयल फ्री प्राइमर जो कि क्लेम करता है लॉन्ग लास्टिंग है, एंड ये जेल बेस में है, तो मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट में यूज करूंगी प्राइमर। OMG गाइस, ये प्राइमर कितना अच्छा है, I mean, इसमें ऑयल भी है, जो मुझे चाहिए प्राइमर वो ये है। मैंने दूसरे भी प्राइमर यूज किए बट वो काफी सॉफ्ट एंड थोड़ी सी ड्राई जैसे रहते, बट ये ट्रांसपेरेंट है, जेल बेस में है, बट ये ड्राई नहीं है, एकदम ऑयल जैसा लग रहा है मुझे, कि ऑयल फ्री लिखा है बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत ऑयल है, तभी ये इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा है मेरी स्किन। मुझे इसको पहले मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सो गाइज, आप सोच नहीं सकते मेरी स्किन अभी कितनी सॉफ्ट हो गई है। ऐसे तो मेरा ऑयल प्राइमर भी नहीं होता है जो मैं यूज करती हूँ, उससे भी नहीं होता है, बट आई रियली लाइक दिस। ड्राई स्किन वालों के लिए तो आई थिंक ये बेस्ट प्राइमर होगा, जो कि कम प्राइस भी है एंड आपके फेस पे लाइक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और मैं हाथ ही नहीं हटा पा रही मेरे फेस से। सो यहाँ पे मैं कंसीलर पहले यूज करूंगी, क्योंकि मेरे फेस पे ज्यादा करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक डार्क सर्कल्स इतने नहीं है मुझे,
ना ही फेस पे उतना कवर करना है, तो मैं कंसीलर लाइक अंडर आईज पे कर लूंगी यूज। सो आई एम डन विद द कंसीलर एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ है, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज और ये जो प्राइमर मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा है गाइज। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। सो ये फाउंडेशन हाई कवरेज है और लिखा है वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन एंड वेटलेस मैट इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग सिल्की स्मूथ फाउंडेशन है ये। सो लेट्स सी कि ये सिल्की स्मूथ है कि नहीं। आई थिंक ये एग्जैक्टली मेरा शेड है मे बी, बट ये थोड़ा सा निलो टोन पे लग रहा है मुझे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये फाउंडेशन इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड लाइक स्किन पे इतना हैवी भी नहीं लग रहा है मुझे। हाई कवरेज फाउंडेशन है तो लाइक काफ़ी अच्छे से छुपा तो दिया है मेरे छोटे छोटे दाग धब्बे को। सो अब ये हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। ये कॉम्पैक्ट भी मैट है। आई थिंक ये प्राइमर की वजह से, जैसे मैंने बोली थी अभी भी बोल रही हूँ, प्राइमर बहुत अच्छा है। मुझे प्राइमर सबसे ज्यादा पसंद आया एंड फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड कॉम्पैक्ट भी अच्छे से सेट हो गया। सो अब मैं ये आईब्रो पेंसिल से मेरा आईब्रो सेट करने वाली हूँ। ब्रश दिया हुआ है एंड सिर्फ और सिर्फ पेंसिल है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो मैं इसको ज़्यादा यूज नहीं करूँगी। आई थिंक हल्का हल्का सा शेड लेके उसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। ओके गाइस ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है क्योंकि ये ब्लैक है, 101 ब्लैक। काफ़ी डार्क आईब्रोज लग रहे हैं मेरे इससे, बट मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूंगी। सो आईब्रोज तो बहुत डार्क लग रहे हैं, भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मुझे लगा ब्राउन शेड मंगवा लूंगी तो बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, बट ये ब्लैक बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। तो ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है तो मैं इसमें कुछ और भी यूज नहीं कर सकती, वरना आईब्रोज में किसी और चीज से यूज कर सकती। आईब्रोज शेप तो लग रहे हैं, इससे ज्यादा आईब्रोज हाईलाइट हो रहे हैं मेरे, वरना अभी इसमें आपको कुछ और मैं करने गई तो ये बिगड़ जाएंगे। आपके अगर बहुत ज्यादा डार्क आईब्रोज है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। जिनके आईब्रोज बहुत कम है, बहुत लाइट होते हैं, तो ये ब्लैक वाला वो ले सकते हैं, बट जिनके मेरे जैसे आईब्रोज है, थोड़ी बहुत भी अच्छी खासी ग्रोथ है, तो फिर मैं आपको ब्राउन सजेस्ट करूंगी। सो अब बारी आती है हमारे आई मेकअप की। सो फाइनली आज मैं ये ब्रशेज यूज करने वाली हूँ। लाइक मैंने इसके रिव्यू की हूँ, प्राइस, अनबॉक्सिंग, एवरीथिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पे आप शेड देख लो, ये पूरा फेस पैलेट है। सो इसमें ब्रश, कॉन्टोर सब है, हाइलाइटर है, दो टाइप के आई थिंक इसमें दिए हुआ है, मैट भी है एंड शिमर ब्लश भी है, बट आई विल गो विथ मैट वन, जो कि ज़्यादा मैट नहीं है, बट इसमें ज़्यादा कोई शेड्स है भी नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास जो लिप क्रीम है वो थोड़ी ब्राउन टाइप है, तो आई विल गो विथ ब्राउन समथिंग, थीम ब्राउन रखूँ। गाइज अगर मैं कोई रॉन्ग वे में कर रही हूँ तो प्लीज़ अवॉइड करना, मुझे आई मेकअप लाइक बहुत अच्छे से आता नहीं है। आई एम नॉट ए प्रो बट आई ट्राई माई बेस्ट। और आई थिंक आपको मेरे आई शेडो उतनी दिखेगी नहीं क्योंकि मेरे आई लिड वैसी है नहीं और मैंने ज़्यादा हैवी भी नहीं की हूँ उस पर। ब्लेंडिंग ब्रश तो है नहीं, बट आई एम के ये एंगल ब्रश से ब्लेंड करूं। सो आई डोंट नो कि आपको मेरा आई शेडो दिख भी रही है कि नहीं, दिख रही होगी ना। तो मैंने पूरे आई लिड पे ब्राउन शेड हल्के से लाइक ब्लेंड कर दी हूँ। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो ये शेड दिख रहा हो। ओके सो आई थिंक ये परफेक्टली हल्का सा ब्राउन शेड दिख गया है।
ये वाला शेड यूज की हूँ, अब ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं मेरे फिंगर से ही ब्लेंड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी आईलिड पे हमेशा इसी से ही लगती है आई शेडो। आई डोंट नो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट ये मैंने थोड़ा आई शेड बनाई हूँ। आप देख सकते हो एक एंगल दिख रहा है ये, और मैंने ब्लेंड भी की हूँ दोनों को, मर्ज की हूँ कि ऐसा ना लगे कि अलग अलग लग रहे हैं। आई डोंट नो गाइस आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये है मेरी फाइनल आई शेडो। सो ये आई लुक कंप्लीट करने के लिए मैं लगा रही हूँ मस्कारा, जो कि है फाइबर मस्कारा, एंड एक लैश एक्सटेंशन के लिए है। सो ये लैश एक्सटेंशन का ब्रश है। यहाँ पे मेरा लैश कलर जो है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्टली अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। सो कभी देखूँ कि डायरेक्ट लगाने से क्या होता है, वरना मैं बिना लैश को कल किए कभी भी मस्कारा यूज़ नहीं करती। ओके नॉट बैड। सो एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे से लग गई है, एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि बिना कलर के इतनी अच्छे से लगी मस्कारा, वरना तो मेरे ऐसे एकदम सीधी सी है ना, तो लगता नहीं है कि मैंने कुछ लगाया भी है। मैं लाइनर लगाना भूल गई और पहले ही मस्कारा लगा दी। आई होप कि अब मैनेज कर पाऊँ मैं। सबसे बड़ा टास्क है दूसरी लाइनर सही लगाना, क्योंकि लाइनर भी मैंने छोड़ ही दी थी लगाना। ये लाइनर की मुझे एक बात अच्छी लगी कि मुझे बार बार डिप नहीं करना पड़ा, जस्ट टू टाइम्स मैंने डिप की हूँ एंड इट इज परफेक्ट। पता ही था मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और ये सेकेंड वाली मोटी होगी। हो गई लाइनर टेढ़ी मेढ़ी। सो मैं लाइनर कम्प्लीट कर गया। सो गाइज लाइनर उतनी अच्छी लगी नहीं है, प्लीज अवॉइड। लाइक पहले मेरी लाइनर बहुत अच्छे से लगती थी, लोग पूछते भी थे कि कैसे लगाते हो बता दो क्योंकि किसी की लाइनर परफेक्ट नहीं होती। बट लाइक बहुत टाइम बाद मैंने लाइनर लगाई हूँ, तो देख सकते हो थोड़ी पतली मोटी हो गई है। थोड़ी बहुत एडजस्ट की हूँ मैंने कि थोड़ा सिमिलर लगे, बट उतना नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बेकार है। बट हम बढ़ते हैं हम कॉन्टोर और ब्लश की ओर। तो जो मैं ब्रशेज यूज करती हूँ वो मेरे मैट ब्रशेज है, लाइक मैट में हुए, और मैं उसको शिमर ही नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने मेरे दूसरे जो ब्रशेज है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लाइक इसका मैंने रिव्यू की हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। इस ब्रशेज का मैंने रिव्यू की हूँ और आज कितने टाइम, मतलब 2 साल होने आया तब जाके मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो कॉन्टोर और ब्लश एक ही है मैट, ऊपर नीचे आप देख सकते हो, ये ब्लश है और ये कॉन्टोर है। सो मैं ये कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ अभी, उसके बाद ब्लश यूज़ करूँगी, एंड लेट्स सी कि ये बहुत डार्क है शायद। जिसके मेरे तरह डबल चिन हो वो यूज कर सकते हैं इस तरह। अब थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड भी कर लो। सो आप पास से देख लो, ऐसा कुछ ज्यादा डार्क दिख नहीं रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है थोड़े थोड़े पैचेस है, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरली जो मैं देख रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है कॉन्टोर। तो अब बारी आती है हमारे ब्लश की। तो एज यू कैन सी बहुत अच्छे से लग गया है, बट फेस मेकअप आई थिंक हो गया है मेरा, जस्ट लिपस्टिक एंड हाइलाइटर बाकी है। तो यहाँ पे एक ही हाइलाइटर है ये वाला। ओके आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। सो आई होप ये हाइलाइटर्स आपको दिख रहे हो, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ इसको। हाइलाइटर लग गया है एंड अच्छे से ब्लेंड कर लो हाइलाइटर को, वरना से लगेगा ये इस तरह क्या लगा दिया। सो गाइस उतना भी पूरा मेकअप नहीं हुआ है मेरा, सो अब सिर्फ लिपस्टिक बची है। सो अब लिपस्टिक बची है एंड आई होप कि लुक के साथ बेटर लगे। ओके ये बहुत ज़्यादा डार्क और मेरे शेड जो मैंने आई शेड की हूँ मुझे लगा था ये हो जाएगा, बट हुआ नहीं। ये आई थिंक ऑरेंज एंड रेडिश टाइप है, ये शेड ने मुझे धोखा दे दिया। आई थॉट कि ये शेड थोड़ा ब्राउन टाइप होगा। गाइस मैंने सोची थी ये ब्राउन शेड है, बट ये तो कुछ अलग ही शेड निकला, एंड ये मेरे मेकअप लुक को इतना बेकार बना रहा है।
जो मेकअप लुक बेकार था उसको भी और बेकार कर दिया ये लिपस्टिक है। हम फिक्सर भूल गए हैं। तो अच्छे से शेक करने के बाद ही कोई भी आप स्प्रे यूज करो। ऐसा लगा भी मेरी आंखें चिपक जाएगी, आई डोंट नो, बट लिटरली जब मैंने आंख बंद की और फिक्सर लगाई ऐसा लगा जैसे हम हेयर स्प्रे लगाते हो कितना स्टिकी लगता है, मुझे जस्ट सेकेंड के लिए वैसा लगा। सो गाइज ये मेरा फाइनल लुक है, हाइलाइटर ब्लश कॉन्टोर सब दिख रहा हो, आई होप कि आपको दिख रहा हो, मेरे आई शेड से दिख रहे हो। मेकअप लुक मैं लिप शेड से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लगा ये ब्राउन शेड है और ये कुछ ऑरेंज टाइप पे लग रही है मुझे, मैंने थोड़ी सी निकाल दी इसलिए उतनी ज्यादा पता नहीं चल रहा है, बट कमेंट करके जरूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश क्यों की ये कुछ भी ऐसा ज्यादा मैच ना दिखे या फिर बहुत टाइम बाद मेकअप लुक की हूँ तो प्लीज जज मत करना। लाइक मुझे मेकअप करना पसंद है, देखना पसंद है, बट उतना क्रेज नहीं है मुझे मेकअप का, इसलिए मैं ज्यादा मेकअप वीडियोस भी नहीं करती हूँ। एंड ये यूज करने के बाद मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सबसे बेस्ट ये प्राइमर निकला है, अगर ये प्राइमर अच्छे से नहीं काम करता तो लगता है मेरा मेकअप केक ही दिखता आपको, बट पास से देख लो आपको मेकअप पूरा कैसा लग रहा है, केक ही तो नहीं दिख रहा होगा। एंड अगर आपको ऐसे और भी थोड़े मेकअप लुक चाहिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं कोई अलग अलग क्रिएटिव कर पाऊँ, अभी थोड़ी सीख रही हूँ मैं आई लुक में मेकअप लुक, फेस का मेकअप तो मुझे आता है अच्छे से, तो हमेशा मैं नेचुरल लुक ही करती आई हूँ, इस बार मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि अच्छे से कोई न्यू लुक क्रिएट करूँ। सो या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो विल गेट नोटिफाइड फर्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।